अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर रतलाम से, जहां रतलाम के आलोट नगर और क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बीती रात भी चोरों ने वीआईपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक नहीं बल्कि चार घरों को अपना निशाना बनाया। इनमें चोरों ने न्यायाधीश, पटवारी और शिक्षक के घर से नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। उधर जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो तुरंत न्यायाधीश महेश कुमार चौहान के घर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। उधर बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार भी आलोट पहुंचे और उन्होंने जल्द चोरी का खुलासा करने की बात कही। पिछले कुछ दिनों से कुछ चोरियां हुई है, उसके ऊपर हमारी टीमें काम कर रही है और हम लोग जल्द ही इसका पता भी लगाएंगे कि क्या कौन वो चोर है। और उसके लिए हम लोग अभी और भी उसको जो हमारा सिस्टम है, जैसे आज मैंने बात भी की है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हो गए, साथ साथ में रात्रि गश्त हो गई, इन सब चीज़ों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाना प्रभारी एसडीओपी से बात की गई है। हम लोग हमारा एक सबसे पहले तो जो रात्रि गश्त का सिस्टम है उसको और भी सुदृढ़ करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो अगले एक महीने के अंदर हम लोगों को काम करना है तो शहर के अंदर और भी सीसीटीवी कैमरे लगा के और वो हमारे थाने में उसकी फुटेज हो, इस चीज़ को हम लोग इंश्योर करेंगे। एक चीज़ और है कि क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, राजस्थान का झालावाड़ लगा हुआ है, साथ में कंजर डेरे भी है अलग अलग, वहाँ के भी कुछ वारंटीज़ भी है, कुछ चोरी चकारी की जानकारी भी जो है वो वहाँ से लगातार मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली है तो उसको लेकर भी आज बातचीत हुई है। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि वहाँ की पुलिस के साथ में मिलकर दबिश प्लान करेंगे और साथ साथ में इंश्योर करेंगे कि जो ये चोरी चकारी है वो जो इंटर बॉर्डर मूवमेंट है उस चीज़ के ऊपर रोक लगाएं और जो चोर है उनको हम लोग पकड़ें।